अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथ नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और ये मेरा लेक्चर है। ये आप 16 अप्रैल 2020 तक आके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर के नीचे जो एब्सोल्यूट रेडिकल साइन है हम उसको खत्म करना है। फर्स्ट पार्ट 3/4 3 स्क्वायर रूट। ये स्केयर रूट के नीचे जो भी वैल्यू होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर बनेगा हमारा मल्टीप्लाई होगा दोनों बनेगा 3 स्केयर रूट, नीचे 4, ये 3 स्केयर रूट इसके साथ मिलेगा 3 स्केयर रूट। ये स्केयर रूट क्या है, ये 3 स्केयर रूट ये हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट 14/98 स्केयर रूट। 14/98 स्केयर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी, ऊपर आ जाएगा 14.98 स्केयर रूट, नीचे 98 स्केयर रूट का स्केयर रूट। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल 90, 14 1 14 7। नाइन्टी एट को 2 पर डिवाइड किया 14 7 7, ये 7 बन गया बाहर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल 2 स्केयर रूट हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 6/8 स्केयर 27 स्केयर, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। 8 7 56 फल के 8 2 16 16 तो फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 6.6.6 या 6/6 के क्योंकि ये पेयर बन गए, ये 6 इससे कैंसिल, अब 6 के रूट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड, ऊपर 6 के रूट नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट 1/3 + 2 5 स्केयर रूट। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से मुख्य है क्योंकि उस साल में फ्रैक्शन के नीचे सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर 2 वैल्यू है तो इसको सॉल्व करना है। ये अगर यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होता है, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ऊपर आ जाएगा ये, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड से 3 - 2 5 स्केयर रूट, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर स्केयर रूट कैंसिल 9 - 20 3 - 2 5 स्केयर रूट माइनस इधर, इस माइनस को अगर ऊपर लेके जाए तो ऊपर के साइन चेंज होते हैं ओवर इधर, ये हमारा आंसर होगा। बुक पर इसका आंसर ऐसे कि उन्होंने ये नीचे जो फ्रैक्शन है इसको ऐसे -1/3 - 2 5 स्केयर रूट ऐसे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट 15/31 स्केयर रूट -4। अब 31 + 4 साइन चेंज करके यहाँ पर प्लस, ऊपर आ गया 15 * 31
प्लस फोर नीचे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, 15 × 31 स्क्वायर रूट प्लस फोर नीचे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये फिर का स्क्वायर प्लस नीचे आ गया 15 से कैंसिल, ये हमारा आंसर। सिक्स्थ पार्ट, टू ओवर फाइव स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर रूट, तो मल्टीप्लाई करें या साइन चेंज करें, ऊपर आ जाएगा टू इंटू फाइव स्क्वायर रूट प्लस थ्री स्क्वायर रूट, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, टू इंटू फाइव स्क्वायर रूट नीचे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 − 3 इक्वल टू 2, इससे कैंसिल, ये हमारा आंसर। सेवन पॉइंट, थ्री स्क्वायर रूट माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर रूट प्लस वन, मल्टीप्लाई किया इसको साइन चेंज करके और डिवाइड भी कर दिया, अब ऊपर सेम वैल्यूज बन गई, जब सेम वैल्यूज हों सेम साइंस हों तो होल स्क्वायर होता है, नीचे साइन का डिफरेंस है तो पार्शियल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन किया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, नीचे ये थ्री का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, टू थ्री स्क्वायर रूट, थ्री में से वन निकाले टू, थ्री और वन फोर, अब इन दोनों में से टू कॉमन, टू माइनस थ्री स्क्वायर रूट ये अंदर रह गया डिवाइडेड बाय टू, ये टू इससे कैंसिल, ये हमारा आंसर। सेवन पॉइंट, एट्थ पॉइंट, फाइव स्क्वायर रूट प्लस थ्री स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर रूट, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया साइन चेंज कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ऊपर सेम वैल्यू सेम साइज है तो होल स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही साइन का डिफरेंस है तो पार्शियल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दरमियान मार्जिन, स्क्वायर को ओपन किया फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइव प्लस थ्री 15, 5 − 3 निकाले 2 आ गया, इन दोनों को ऐड करते ये बन गया 8, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2 कॉमन 4 प्लस 15 ओवर 2, ये 2 इससे कैंसिल, 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द कंजुगेट इसमें जस्ट हमने क्या करना है साइन चेंज करनी है, इसका कंजुगेट
जो होगा वो होगा साइन चेंज होगा थ्री प्लस या फिर माइनस का। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जस्ट साइन चेंज करनी है। ये क्वेश्चन नंबर वन और टू आपने 6 अप्रैल 2020 की डेट लगा के इसको नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। थैंक यू जी।